दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। एक और जहां कोरोना की मार लोग झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ठंड अत्यधिक बढ़ चुकी है और बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिहार में बारिश और ओला गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। कोसी सीमांचल और पूर्वी सहित सूबे के दूसरे हिस्सों में ठंड और बढ़ने वाली है। चार दिन से कनकनी और कोल्ड डे झेल रहे जिले में अब बारिश के आसार बने हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर 21, 22, 23 और 24 जनवरी को कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश की ओर चक्रवर्तीय स्थिति बनने और उसके एक दो दिनों में बिहार की ओर बढ़ने की बारिश स्थिति बनी है। कहा जाता है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, आरा, अरवल, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना है। 22, 23 को भागलपुर, बांका, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, पूर्णिया, पटना समेत सूबे के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यह अलर्ट जारी किया गया है। उधर दूसरी ओर 21 जनवरी के बाद 6 फरवरी तक कोरोना के मद्देनजर रखते हुए पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लगी रहेगी, साथ ही साथ 8 बजे दुकान बंद करने की जो आदेश जारी की गई थी उसी आदेश का पालन लोगों को करना होगा। शादी विवाह में 50 व्यक्ति शामिल होंगे, बारात और डीजे नहीं निकाली जाएगी और 3 दिन पहले थाना को इत्तिला किया जाएगा। साथ ही साथ श्राद्ध कर्म में भी 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की आदेश दी गई है। ऑफिस, कार्यालय 50% लोगों की उपस्थिति के साथ चलती रहेगी, यह ट्वीट करके नीतीश कुमार ने स्वयं बताया है। सूबे में यह भी कही जा रही है कि बिहार में तीसरे दिन भी संक्रमितों की संख्या घटी है। 3475 नए संक्रमित बिहार में मिले हैं, यानी लगातार 3 दिन से संक्रमितों की संख्या घटने की बात कही जा रही है। पाबंदियां जारी है, ठंड अत्यधिक बढ़ने की संभावना है, अलर्ट जारी की गई है। स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं परहेज और हिफाजत करने की आवश्यकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन घंटी दबाकर शेयर करें वीडियो को और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।